चंद्रयान 3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा निर्मित एक महान कदम है जो भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए उठाया गया है। इस स्पेस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के उपाधि को अध्ययन करना और उसके विभिन्न पहलुओं को अनुसंधान करना है। इसके तहत चंद्रयान 3 ने हाल ही में चांद की पहली तस्वीरें भेजी हैं। चंद्रयान 3 चंद्रयान 3 के कैमरे में कैद हुआ पृथ्वी और चांद का खूबसूरत नजारा, देखिए तस्वीरें। इसरो ने गुरुवार 10 अगस्त को चंद्रयान 3 के कैमरों से ली गई पृथ्वी और चांद की तस्वीरें जारी की हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की 23 अगस्त को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की संभावना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2 तस्वीरें जारी की हैं। पहली फोटो पृथ्वी की है जो कि लैंडर इमेजर एलआई कैमरे से ली गई। ये तस्वीर 14 जुलाई को ली गई थी जब श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया था। दूसरी फोटो चांद की है जो 6 अगस्त को अंतरिक्ष यान पर लगे लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरे LHVC से ली गई थी। इसरो ने ट्वीट किया, चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च के दिन लैंडर इमेजर एलआई कैमरे से पृथ्वी और चंद्र कक्षा में प्रवेश के एक दिन बाद LHVC से चंद्रमा की फोटो ली गई। इससे पहले इसरो ने रविवार 6 अगस्त को चंद्रयान 3 के कैमरे में कैद हुई चंद्रमा की पहली तस्वीरें जारी की थी। चंद्रयान 3 ने 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के बाद ये नजारा दिखाया था। इसमें दिख रहा था कि चंद्रमा पर नीले हरे रंग के कई गड्ढे हैं। भारत का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 बुधवार 9 अगस्त को कक्षा में नीचे लाए जाने की एक और सफल प्रक्रिया से गुजरने के साथ ही चांद की सतह के और नजदीक आ गया। इसरो ने एक ट्वीट में कहा था, चंद्रमा की सतह के और नजदीक आज की गई प्रक्रिया के बाद चंद्रयान 3 की कक्षा घटकर 174 किलोमीटर बाई 1437 किलोमीटर रह गई है। लूना 25 साल भर करेगा चांद पर काम, खोजेगा पानी, पूरा देश दुआएं कर रहा है। इस बार सॉफ्ट लैंडिंग हो और हम न सही हमारा यान चांद पर हो। महत्वाकांक्षी मिशन के आगे बढ़ने के साथ ही चंद्रयान 3 की कक्षा को धीरे धीरे कम करने और इसकी स्थिति चांद के ध्रुवों के ऊपर करने के लिए इसरो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। इसरो ने कहा कि अगली प्रक्रिया 14 अगस्त 2023 को सुबह 11:30 से 12:30 के बीच निर्धारित है। न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के करीब लाने के लिए 2 और प्रक्रियाएं की जाएंगी। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रियाएं 14 और 16 अगस्त को 100 किलोमीटर की कक्षा तक पहुंचने के लिए की जाएंगी, जिसके बाद लैंडर और रोवर से युक्त लैंडिंग मॉड्यूल आगे की प्रक्रिया के तहत प्रल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। लैंडर के डीबूस्ट धीमे होने की प्रक्रिया से गुजरने और 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। हाँ, इस बार इसरो के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी ही पुख्ता तैयारी कर रखी है। इसरो के प्रमुख S. सोमनाथ ने हाल में कहा कि चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। भले ही सभी सेंसर और 2 इंजन काम करने में फेल हो जाएं, फिर भी सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित की जाएगी। इसरो टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्षैतिज विक्रम को चंद्रमा की सतह पर लंबवत रूप से उतारना है। एक बार जब लैंडर अलग हो जाएगा तो ये क्षैतिज रूप से चलेगा। इसरो चीफ ने ये भी कहा है कि चंद्रयान 3 अच्छी हालत में है और सबसे महत्वपूर्ण चरण कक्षा निर्धारण प्रक्रिया होगी जब अंतरिक्ष यान 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा से चंद्रमा के करीब जाना शुरू करेगा।